आज सुबह उठा तो पता चला कि आज फादर डे है। दिल में ख्याल आया कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए फादर डे का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन अगले लम्हे ही ख्याल आया, हमारे वालदैन तो सारी ज़िंदगी ही हमारे लिए मनाते हैं, तो उनके लिए कोई दिन मखसूस कैसे हो सकता है। तो आज का दिन वालिद के नाम करना चाहिए। खैर, मैं तो आम लेने निकला था, आम लिए, घर आकर बिरयानी खाई, मोबाइल रीसेट किया। तो भाई ये मोबाइल हमारा रीसेट हो गया है, और ये भाई साहब इनको हम मोबाइल दे रहे हैं। फिर फातिमा ज़हरा के कपड़ों पे इस्त्री की, हसन को लिया और दही लेने चल पड़ा। ये चाहता है कि मैं इसको बाइक चलाने दूँ और बाइक चलाना सिखाऊँ। हाँ भाई, ऐसे ही है, चला लोगे? हाँ। दो बच्चे यहाँ पर छुप कर चीज़ें ले रहे हैं। जा रहे गए तो बाइक पर थे, मगर ट्रेन पे वापस घर पहुंचे। हसन साहब जब बाइक पर हाथ साफ कर रहे थे तो दिमाग की हेडलाइट जली कि सबसे फादर डे पर फादर के बारे में पूछते हैं। अरे हाँ, आज का कोइंसिडेंट तो बताना भूल ही गया, आज मेरे अब्बू की बरसी है और घर पे फातिहा है, तो फातिहे के लिए आम काटे, बेगम के साथ मिलकर चावल पसाए, फिर कायम के कपड़े बदलवाए। हसन साहब ये बताएं, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू हैव लर्नड फ्रॉम योर फादर? हार्ड वर्किंग और हर चीज मेहनत से करते हैं। कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको जो आपको हमेशा याद रहता हो बाबा के साथ? 10 साल बाद वो घर बताया पाकिस्तान आई थी, तो वो मोमेंट तो बहुत याद है। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो तो गरीबों की मदद करती है। मैं भी अपने मैडम ने बाबा से ये एक अच्छी बात सुनी कि जो है वो हमेशा कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्किंग के टाइम पे करना चाहिए। बाबा के साथ मूवमेंट्स तो बहुत हैं और सारे मूवमेंट्स मेमोरेबल हैं, लेकिन जिस तरह हमारे बाबा ने अपने बाबू को मारकर मेरी और मेरे भाई की हर ख्वाहिश को पूरा करा, हमें हर आसाइशात से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो बोलते हैं बाबा हमारे पूरा कर देते हैं। तो इसी तरह से जिस टाइम अब हमारे बाबा को हमारी ज़रूरत हो तो हम उनके काम आ सकें, अब इंशाल्लाह ऐसा होना। मेरा मानना ये है कि फादर डे वैसे तो हर दिन ही वालिदैन का दिन होता है, 12 रबीउल अव्वल या फिर 13 रजब यानी रसूल खुदा की विलादत का दिन या फिर मौला अली की विलादत का दिन हमें स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम फादर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और क्योंकि आज ही फादर डे है और हम आज भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इत्तेफाक इस तरह से कि आज मेरे वालिद साहब की बरसी भी है और आज ही के दिन फादर डे भी है। फिर बच्चों ने फुटबॉल खेली और मैंने कायम के पैर दबाए, फातिहा खुवानी दिलवाई और सब ने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने सोचा कि मुस्तकबिल के बापों फ्यूचर फादर्स के साथ यादगार पिक ले लूँ, तो पिक शेयर करने से पहले इजाज़त ले लूँ। गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।